हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केसीन प्रोटीन फ्रॉम मिल्क कि इसका प्रैक्टिकल आप लैब में करते कैसे हो, कि जो आपका मिल्क है आपको पता है मिल्क में क्या होती है, मिल्क में प्रोटीन का मिक्सचर होता है। कौन सी प्रोटीन होती है? केसीन प्रोटीन होती है। तो इसका प्रैक्टिकल आप लैब में करते कैसे हो, ठीक है ना। तो आज हम डिटेल में इसको देखने वाले हैं कि अगर आपको लैब में प्रैक्टिकल कराया जाता है और आपको प्रोसेस नहीं पता है तो आपको आज मैं प्रोसेस बताने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखें कि केसीन है क्या, ठीक है ना। ये प्रोसीजर आपका, ये प्रोसीजर मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको केसीन के बारे में बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, जो मिल्क होता है दूध, ठीक है ना, मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी टाइप ऑफ प्रोटीन। तो दूध कई प्रकार की प्रोटीन्स का क्या होता है? मिक्सचर होता है। आपको पता है दूध में क्या होते हैं? कई प्रकार की प्रोटीन्स पाए जाते हैं। मिल्क प्रोटीन आर क्लासिफाइड इंटू थ्री मेन ग्रुप। जो मिल्क प्रोटीन आर क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन ग्रुप्स, कौन कौन से होते हैं? केसीन। मिल्क में सबसे ज्यादा जो है केसीन प्रोटीन पाया जाता है, कितना? 80%। फिर आपका वे प्रोटीन एंड माइनर प्रोटीन होता है। तो केसीन प्रोटीन सबसे ज्यादा आपको मिलता है मिल्क में। आगे जाता है आपका, केसीन इज अ हेटरोजीनियस मिक्सचर ऑफ फॉस्फोरस कंटेनिंग प्रोटीन इन मिल्क। जो केसीन होता है वो दूध में फॉस्फोरस, जो फॉस्फोरस होता है आपका एलिमेंट, उस प्रोटीन का एक हेटरोजीनियस मिक्सचर होता है। एंड केसीन इज प्रेजेंट इन मिल्क एज कैल्शियम सॉल्ट एंड कैल्शियम कैसिनेट। मतलब जो केसीन है वो कैल्शियम सॉल्ट और कैल्शियम कैसिनेट के रूप में मिल्क में होता है, ठीक है ना। ये कैल्शियम सॉल्ट के फॉर्म में होता है एंड कैल्शियम कैसिनेट के फॉर्म में होता है। ये मैं आपको थोड़ा सा केसीन के बारे में बता रही हूँ कि दूध में जो केसीन प्रोटीन होते हैं वो कैसे पाई जाती है। केसीन लाइक प्रोटीन आर मेड अप ऑफ मैनी हंड्रेड ऑफ इंडिविजुअल एमिनो एसिड, ठीक है ना। तो मैंने आपको केसीन के बारे में थोड़ा सा बताया है कि अगर आप दूध का जो प्रैक्टिकल कर रहे हो, जो आप मिल्क में से केसीन प्रोटीन निकाल रहे हो, वो है क्या, ठीक है ना। तो मिल्क में जो केसीन प्रोटीन होते हैं 80% होती है, क्योंकि आपको पता है मिल्क कई प्रकार की प्रोटीन का मिक्सचर होता है और केसीन भी उसमें एक प्रोटीन पाई जाती है। तो आप क्या करते हो लैब में, आप जो मिल्क है उसका क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, उसमें से जो केसीन प्रोटीन है वो आप उसमें से अलग करते हो। चलिए अब हम देखते हैं कि आप प्रैक्टिकल किस तरह से करोगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, आप 50 ml मिल्क लोगे, ठीक है ना। 50 आपको वो लैब में प्रोवाइड कराया जाएगा इन 250 ml बीकर। जो आपका बीकर होता है 250 ml का, अब देखिए आपको पता है बीकर आपके कई टाइप के होते हैं, 250 का भी होता है, 500 का भी होता है, 1000 के भी होता है। तो आपको क्या करना है, 250 ml बीकर में आपको 50 ml मिल्क लेना है और उसे क्या करना है, डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट किससे करना है? आपको उसमें डिस्टिल्ड वाटर मिलाना है। डिस्टिल्ड वाटर आपको लैब में मिलता है, आसुत जल कहते हैं जिसको, ठीक है। कितना मिलाना है? 70 ml। फर्स्ट आपका प्रोसेस क्या हो गया, आपने 250 ml का बीकर लिया, उसमें आपने 50 ml मिल्क जो आपको लैब में प्रोवाइड कराया जाएगा उसमें आपने 70 ml डिस्टिल्ड वाटर मिलाया। फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, नाउ हीट द मिल्क 40 degree centigrade। मीन्स आपको जो मिल्क है उसको आपको हीट करना है। लैब में बर्नर होते हैं, बर्नर के ऊपर आप क्या रखोगे, वायर गोज रखोगे और जो आपका बीकर है जिसमें आपका मिल्क है उसको आप हीट करोगे। आफ्टर हीटिंग एड 10% ग्लेशियर एसिटिक एसिड ड्रॉप वाइज विद स्टिरिंग। फिर आपको क्या करना है, जब वो आपका मिल्क हीट होना स्टार्ट हो जाए तो आपको उसमें 10% ग्लेशियर एसिटिक एसिड डालना है। अब ये आपको लैब में प्रोवाइड कराया जाएगा कि वो आपको कहेगी कि ये 10% वाला ग्लेशियर एसिटिक एसिड है, तो आपको ड्रॉप वाइज उसमें अपने मिल्क जो आपका बीकर है उसमें डालना है। कैसे डालना है? ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है, और स्टिरिंग करना है। मतलब आपको ग्लास और से उसे इस तरह घुमाते रहना है बीकर के अंदर डाल डालकर, ठीक है। सेकंड स्टेप क्लियर हो जाता है। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, नाउ रिमूव द प्रेसिपिटेट ऑफ केसीन विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला इन अनदर बीकर। देखिए सेकंड स्टेप में जैसे आपने ग्लेशियर एसिटिक एसिड डाला, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, दूध में जो आपकी केसीन प्रोटीन है, ठीक है ना, दूध में जो आपकी केसीन प्रोटीन है वो आपकी प्रेसिपिटेट बननी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, वो आपकी प्रेसिपिटेट बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, जो केसीन बननी स्टार्ट हो जाती है उसको आप स्पैचुला, स्पैचुला आपको पता है चम्मच जैसी होती है, उससे आप वो केसीन को निकालते रहोगे दूध में से और आप दूसरे बीकर में डालते रहोगे। जैसे आप देखते हो कि घर में आप करते हो, एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, जैसे आप दूध में से मक्खन निकालते हो तो आप नींबू डाल देते हो, दूध में फट जाता है, पनीर निकलने लगता है, तो आप वो पनीर अलग करने लगते हो, ठीक। इसी तरह क्या होगा, आपके जो बीकर है उसमें जैसे आप ग्लेशियर एसिटिक एसिड डालोगे तो वो आपका जो केसीन प्रोटीन है वो प्रेसिपिटेट बनने शुरू होगी, तो आप स्पैचुला से दूसरे बीकर में उसे निकालने लगोगे। एंड फोर्थ पॉइंट में क्या जाता है, नाउ एसिटिक एसिड अगेन एड ड्रॉप वाइज टू द बीकर टू कम्प्लीट द प्रेसिपिटेट। आप जब तक उसमें एसिटिक एसिड डालते रहोगे जब तक वो जो सारी केसीन है वो प्रेसिपिटेट ना बन जाए, ठीक है।
जितना प्रेसिपिटेट बनना होगा जितनी उसमें केसिन होगी सब निकल जाएगी। उसके बाद जब जितना भी आप एसिटिक एसिड अगर आप जितना भी ऐड करते जाओगे वो नहीं होगा अदरवाइज, क्योंकि उसमें जितना प्रोटीन बनना था वो बन चुका। फोर्थ पॉइंट क्लियर हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट क्या कहोगे, नाउ फिल्टर और द प्रेसिपिटेट ऑफ केसिन प्रोटीन। अब जितना भी आपका केसिन प्रोटीन आया उसको आप क्या करोगे, फिल्टर कर लोगे मिल्क में से, ठीक है ना। सिक्स स्टेप में क्या आता है, फिल्टर प्रेसिपिटेट ऑफ केसिन प्रोटीन व ट्रीट विद 0.1% एनमेर सॉल्यूशन, स्टिर वेल एंड फिल्टर। जो आपका केसिन प्रोटीन आया है उसमें आप क्या मिलाओगे, 0.1% एनमेर सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, और उसको फिर से स्टिर करोगे और फिर से फिल्टर करोगे। सेवन पॉइंट में आपको क्या करना है, वॉश द प्रेसिपिटेट। जो आपके प्रेसिपिटेट आया है उनको क्या करना है, वॉश करना है, किससे, विद वॉटर एंड एटलीस्ट 2-3 टाइम। आपको 2 या 3 बार उसको वाटर से वॉश करना है एंड देन वॉश, और वॉश के बाद विद मिक्स ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल एंड इथर इन 1:1 रेशो। वॉश करने के बाद उसमें आपको अल्कोहल मिलाना है और इथर मिलाना है 1:1 रेशो में। फिर क्या होगा, जब आप मिला दोगे उसमें तो उसको जो प्रेसिपिटेट है उसको आपको ड्राई कर लेना है एंड उसके जो आपके प्रेसिपिटेट आया है ड्राई, जब वो सूख जाएगा उसके बाद उसको आपको वे कर लेना है, ठीक है ना, कि वो कितना आया, और वो अपनी कॉपी में आपकी आपकी क्या हो जाएगी, क्या हाँ आपका इतना ये वे आया है, ठीक है। तो आपका इस तरह से ये केसिन प्रोटीन फ्रॉम मिल्क का पूरा आपका एक्सपेरिमेंट हो जाता है। अब देखिए, मैंने आपको ये प्रोसेस बताया, इस प्रोसेस का प्रिंसिपल क्या है, तो इस प्रोसेस का प्रिंसिपल ये है कि मिल्क के नॉर्मल पीएच पर केसिन सॉल्युबल फॉर्म में होता है। आपको पता है जो मिल्क का नॉर्मल पीएच है, ठीक है ना, तो जैसे मैंने आपको बताया इस प्रोसेस का प्रिंसिपल ये है कि जो मिल्क है उसके नॉर्मल पीएच पर केसिन जो है वो क्या होता है, सॉल्युबल फॉर्म में होता है, और जैसे ही एसिटिक एसिड को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो जो मिल्क का पीएच है वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही पीएच 4.6 तक पहुंचता है तो केसिन जो है वो प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाता है। एसिटिक एसिड के मिलाते ही मिल्क का पीएच कम होता है, और जैसे ही जो मिल्क का पीएच है वो 4.6 तक पहुंचता है तो केसिन प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि केसिन का आइसोलेटेड पीएच कितना होता है, 4.6, और इस पीएच पर केसिन जो है इनसॉल्युबल होता है, इसलिए वो प्रेसिपिटेट बनने लगता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को पॉज करके आपको लिखना है, और लिखने के बाद जब आप देखोगे एक एक स्टेप तो आपको होगी बहुत ही क्लियर है, और आप लैब में आराम से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मैं स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ आपको केसिन के बारे में किस तरह लिखना है और किस तरह से समझना है। वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट्स करके मुझे बताना है। काफी इजी लैंग्वेज में मैंने आपके लिए तैयार किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए केसिन है क्या। केसिन क्या है, मिल्क में पाई जाने वाली प्रोटीन जो 80% पाई जाती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको केसिन के बारे में भी बताया है कि आप अगर केसिन का प्रैक्टिकल कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जब एग्जामिनर आता है जब आप, तो आपसे पूछ लेता है केसिन क्या, आपको यही नहीं पता केसिन है क्या, कितने परसेंट मिल्क में पाई जाती है, तो फिर ये आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको स्टेप बाय स्टेप आपको ये प्रोसेस करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ।